मुकाबला आमने सामने का तय हो गया है। बाड़ी से जो कांग्रेस का चेहरा था वो बीजेपी में आ गया है, जो बीजेपी का चेहरा था वो कांग्रेस में आ गया है। गिरिराज सिंह मलिंगा और प्रशांत सिंह परमार आमने सामने होंगे। जसवंत सिंह गुर्जर जो पहले बीजेपी के चेहरे थे वो इस मुकाबले को ट्रायंगल बनाएंगे। एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए नाम दोहरा देता हूँ। दीपक कड़वासरा बाड़मेर से, अरुण चौधरी पचपदरा से और बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें जो अभी अभी जुड़े हैं, पूरी 200 सीट पर मुकाबला साफ हो गया है। आशीष, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है शशि, बड़ी खबर इस वक्त की। तीन प्रत्याशी जो बाकी थे, 197 संख्या पूरी हो चुकी थी, तीन थे बाकी, वो आ गए नाम सामने। एक बार सिलसिलेवार नाम मैं भी बता देता हूँ। जैसा हमारे सहयोगी शशि ने बताया, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा आज ही शामिल टिकट मिला, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पचपदरा की अगर बात करें तो श्री अरुण अमरा राम चौधरी, ये नाम यहां से सामने आया है सूची में जो हम आपको बता रहे हैं। तो 200 नाम कांग्रेस पार्टी के और 200 भारतीय जनता पार्टी के सामने आ चुके हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट मिल गया है बारी से, बड़ी खबर इस वक्त की जो हम दर्शकों को बता रहे हैं। मतलब अब कल इत्मीनान से बाकी कैंडिडेट अपना अपना नॉमिनेशन फाइल करें, 4 घंटे बचे हैं, उसके बाद में प्रचार चालू और उसके बाद में 25 को मतदान, उसके बाद काउंटिंग। बीजेपी के तीन नाम सामने आ चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को टिकट दिया गया है, पचपदरा से अरुण अमरा राम को टिकट दिया गया है, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट मिल गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, शशि से मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा क्योंकि शशि बेहतर तरीके से बता पाएंगे इन तीनों सीटों के समीकरण को और बीजेपी ने जितना विचार विमर्श करके आखिर में ये सूची जारी की है। शुरुआत जरूर भारतीय जनता पार्टी ने की थी सूचियों की, लेकिन अंत जो है यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है सूचियों का। मतलब शुरुआत बीजेपी ने की पहली सूची और खात्मा भी बीजेपी ने ही किया अपने कैंडिडेट को अनाउंस करने में इस फहरिस्त में। अब ऐसे में ये जो तीन नाम सामने आए हैं बाड़मेर से, पचपदरा से, बाड़ी से, ये कितना दमखम रखते हैं, चाहे गिरिराज मलिंगा हो, चाहे दीपक कड़वासरा हो, चाहे अरुण अमरा राम हो, ये एक विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन 200 नाम कांग्रेस के, 200 बीजेपी के अब हो गए हैं फाइनलाइज। जो शीशा धुंधला था वो हो गया साफ। मतलब अब सीधे तौर पर देखा जाए तो यहां से प्रचार चालू हो जाएगा, सभी कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल कर देंगे जो बाकी बचे हैं। अब ऐसे में जो तीन नाम सामने आए वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल आशीष, तो ये तीन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई और देखना होगा अब ये तगड़ा मुकाबला हो गया आशीष, और बाड़ी से गिरिराज मलिंगा को भी यहां पर टिकट मिल गया है। फाइनल ये तीन नाम आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और देखिए जिस तरीके से कयासबाजी लगाई जा रही थी, जिन नामों पर अटकलें थी, संशय था, वो अब क्लियर हो गया है। अब जो टिकट का हेरफेर था, दल बदलू थे या फिर दल बदल कर रहे थे, जिनका टिकट काटा गया था, वो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है आशीष यहां पर, और यहां पर बिल्कुल साफ तस्वीर नजर आ रही है। तो लिस्ट सबके सामने है, तीन और नाम यहां पर आपके सामने आ गए। बाड़ी से गिरिराज मलिंगा को टिकट दे दिया गया है, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, पचपदरा से अरुण अमराराम को यहां पर टिकट मिल गया है, और यहां पर बीजेपी की आखिरी लिस्ट भी सबके सामने आ गई है। तो जो भी अब अंधेरा था वो क्लियर हो गया, उजाला सबके सामने है, क्योंकि देखिए कल सब कुछ फिनिश हो जाएगा, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं तीन प्रत्याशियों का नाम यहां पर जारी कर दिया गया है, बीजेपी ने भी पूरे 200 नाम तय कर दिए हैं अपने। बीजेपी की एक और आखिरी लिस्ट है, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट मिल गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये नाम सामने आए, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया गया है, और ये बाड़ी से एक बार फिर से गिरिराज मलिंगा सामने आ गए हैं। बीजेपी की आखिरी लिस्ट है, जारी हो चुकी है, और ये नाम आपके सामने आ रहे हैं। शशि हमारे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। शशि, तीन नाम सामने आ गए, लगातार दर्शकों को हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तीन नाम, लेकिन तीन में से एक नाम जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा वो गिरिराज सिंह मलिंगा। आज भाजपा में शामिल हुए मौजूदा विधायक है, कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं, भाजपा में गए, भाजपा ने पूरा सम्मान किया, किस प्रकार से देखा जाए? शशि मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है, हम फिर से लौटेंगे शशि के आपके पास में। तो ये तीन नाम थे जिनकी लिस्ट देखिए, आखिरी बीजेपी की लिस्ट ये सामने आ चुकी है। आप अपने बाड़मेर से दीपक कड़वासरा का नाम आ गया है, और पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी। दरअसल अमराराम चौधरी पूर्व मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं ये,
और दीपक कड़वासरा पूर्व मंत्री जो पूर्व विधायक रह चुके हैं बाड़मेर से, तगाराम चौधरी उनके पोते हैं दीपक कड़वासरा, और गिरिराज सिंह मलिंगा अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तीन बार के विधायक, और बसपा से हाथी से हाथ का सफर तय करने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा, दीपक कड़वासरा और अरुण अमराराम चौधरी। दरअसल अरुण चौधरी को अपना नाम साबित करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए अपने पिता के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये अमराराम चौधरी पूर्व गृह राज्य मंत्री, पूर्व राजस्व मंत्री, जो पचपदरा से आते हैं, और ये नया जिला बना है बालोतरा, उस जिले की सीट है, जिला मुख्यालय का नाम बालोतरा है लेकिन सीट का नाम पचपदरा है, जहां इनका मुकाबला मदन प्रजापत से होगा। अरुण चौधरी कल भी समाज से आते हैं, और यहाँ इनके समाज के वोटों का असर अच्छा है और आसपास की सीटों पर भी प्रभावित होंगे इससे। हालांकि पार्टी जो परिवारवाद का विरोध कर रही थी, जो पार्टी आयाराम गयाराम का विरोध कर रही थी, वो आयाराम गयाराम पे भी आ रही है, और ये दोनों नाम परिवारवाद का संकेत भी दे रहे हैं, दीपक कड़वासरा और अरुण अमराराम चौधरी। तो दरअसल राजनीति में जैसा कहा जाता है कि राजनीति भी हाथी की तरह चलती है, खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं, और वो इन तीन शशि नामों की लिस्ट में दिखाई दे रहा है। आप दिखा रहे हैं शशि, ये जो तीन नाम आप दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, उनमें से जो सबसे ऊपर वाला नाम है मलिंगा साहब का, ये 8 में बसपा से लड़े, जीत कर आए, 2-3 हजार वोट से जीते थे, उसके बाद में आगे बढ़े, फिर कांग्रेस से लड़े वहां भी जीत कर आए, और बड़ी चीज ये रही कि पिछली जो जीत थी इनकी काफी बड़े अंतर से थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस बार लिफ्ट इनको दी नहीं, नाराज हुए, भाजपा में गए, भाजपा ने सम्मान किया, उनको टिकट दिया गया है। किस प्रकार से मलिंगा साहब को प्रोफाइल को देखा समझा जाए? देखिए, कांग्रेस ने भले लिफ्ट नहीं दी हो, लेकिन मलिंगा ने अर्ज की थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, और बीजेपी ने उन्हें तुरंत लिफ्ट कर लिया। हालांकि इसराइल से एयरलिफ्ट किए गए, यूक्रेन से एयरलिफ्ट किए गए, इंडिया से गए स्टूडेंट्स और लोग, और अब बीजेपी ने एयरलिफ्ट कर लिया गिरिराज सिंह मलिंगा को और हाथों में रखा है। और आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के मीडिया सेंटर पर गिरिराज सिंह मलिंगा को पार्टी ज्वाइन कराई है, और इस पार्टी को ज्वाइन कराने के साथ में ही मलिंगा की सारी गलतियां माफ कर दी गई हैं, सारी बातें माफ कर दी गई हैं, जिन चीज़ों को लेकर के पहले आरोप लगाए जाते थे, हर्षाधिपति वाल्मीकि जो बिजली विभाग के AEN थे, उन जिनके साथ मारपीट हुई, उस मामले में गिरिराज सिंह मलिंगा पर आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों के दौरान मलिंगा पर निशाना साधने वाली बीजेपी और उसके नेताओं ने कह दिया कि ये आरोप जांच के अधीन है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन है, पूरा मामला तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं दी, और गिरिराज सिंह मलिंगा को थोड़ी ही देर में, आप देखिए ज्वाइनिंग हुई है और तकरीबन 6 घंटे इस चीज़ को नहीं बीते हैं, ज्वाइनिंग को 6 घंटे से ज़्यादा थोड़े हो गए हैं, और पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। हाथ, हाथी और फूल तीनों का एक कोऑर्डिनेशन है देखिए, और उन कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन पे चलते हुए गिरिराज सिंह मलिंगा 4थी बार विधानसभा पहुँचने की मंशा रखते हैं। हालाँकि प्रशांत सिंह परमार उन्हीं के समाज से आने वाले प्रतिस्पर्धी नेता, अब तक बीजेपी का चेहरा रहे प्रशांत सिंह परमार, बीजेपी के इस प्रत्याशी की राह में रोड़ा बनेंगे कांग्रेस का चेहरा बनके। जी आशीष, बाड़मेर की बात कर ले थोड़ी सी शशि, बाड़मेर से, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की थी पिछली बार, और करीब करीब 52% वोट मिला था, 33-34 हजार का अंतर था। अब ऐसे में दीपक कड़वासरा को यहाँ पर बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, किस प्रकार से देखा जाए इस सिलेक्शन को बीजेपी के बाड़मेर में? देखिए, युवा चेहरा है दीपक कड़वासरा, पहले पार्टी के कामों में, पार्टी गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इनसे बेटर चॉइस थी, प्रियंका चौधरी भी इनसे बेटर चॉइस थी, कैलाश चौधरी बेस्ट चॉइस होते, कैलाश चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से क्या बात हुई इसका ब्यौरा पूरा नहीं मिल सका है, लेकिन प्रियंका चौधरी का टिकट, ऐसा अंदेशा है संभवतः जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के दखल के चलते कटाओ, सतपाल मलिक प्रियंका चौधरी को अपनी पुत्री की समान मानते हैं, और पहले जब उन्होंने पैरवी की प्रियंका चौधरी के टिकट की तो उन्हें टिकट मिला भी, और प्रियंका चौधरी पूर्व मंत्री गंगाराम चौधरी के परिवार से आती हैं, उनकी धरोहर, राजनीतिक धरोहर को संभाल रही हैं, और
प्रियंका चौधरी भी दिल्ली गई थी, लेकिन सतपाल मलिक की पैरवी संभवतः प्रियंका चौधरी के टिकट पर भारी पड़ गई। बाड़मेर से लगातार 3 बार के विधायक मेवाराम जैन को हराने के लिए दीपक कड़वासरा को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो हरा पाएंगे मतलब, या नहीं? मतलब ये माना जाए, सभी मतलब ये माना जाए कि प्रियंका चौधरी का जो अनुभव था, भले ही वो जीत ना पाई लेकिन 13 में लड़ी थी और टक्कर भी उन्होंने काफी हद तक दी थी, 50,000 से ज्यादा वोट यहां से लेकर आई थी। तो क्या अगर बीजेपी इन पर दांव खेलती तो इनका अनुभव काम आ सकता था इनसे लड़ने का? जैन साहब से आशीष, ऐसा बाड़मेर के राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि कोई बड़ा चेहरा आता, जैसा चर्चित चेहरा था एक रूमा देवी का, वो चेहरा थोड़ा कारगर हो सकता था, एनजीओ के जरिए चर्चा में आई। हालांकि बीजेपी की सदस्यता उन्होंने पिछले दिनों नहीं ली थी, जब पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क भी किया था, कई कार्यक्रम भी किए, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के भी कई कार्यक्रम किए। रूमा देवी दरअसल विदेशों में भी चर्चित चेहरा है क्योंकि एक एनजीओ चलाती हैं, विदेश दौरे भी कर चुकी हैं, इस तरीके से उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने की कोशिश की, लेकिन वो कई बार पार्टी के ही लोग मानते थे कि ये फैंसी चेहरा है, दिखावटी चेहरा है और चुनाव नहीं जीत सकती क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से जेलवेल नहीं हो पाई, ढंग से मेल मिलाप नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जब कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों में भी रूमा देवी गई, उसके बाद से ही उनका नाम पीछे हो गया था पार्टी में। लेकिन दीपक कड़वासरा को मेवाराम जैन को मुकाबला देने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी होंगी, वो सीढ़ियां कार्यकर्ता क्या उन सीढ़ियों के ऊपर हथेली बना पाएगा, क्या कार्यकर्ता दीपक कड़वासरा को अपनी हथेलियों पर रख करके आगे बढ़ा पाएगा, तब तो वो सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। वरना मेवाराम जैन को हराना एक चुनौती भरा काम है क्योंकि उनकी अलग प्रोफाइल है, वो दरअसल सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, गौ सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, राज्य गोपालन जो आयोग है उसके जिम्मेदारी संभालते हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें गोपालन आयोग का जिम्मा दिया, राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया, तो मेवाराम जैन की पॉलिटिक्स अलग तरीके की है। कई बार यहाँ जो सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना है वो बहुत भारी पड़ता है और वो मेवाराम जैन के पक्ष में चला जाता है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे तो उन्होंने बड़ा खाना किया था और मुख्यमंत्री की सभा भी उन्होंने ही कराई, तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों की सभा कराई, उन लोगों के खाने की व्यवस्था कराना, तो खर्चा करने में भी आगे रहते हैं और पार्टी मतलब का मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस सीट पर कोई कैंडिडेट लगातार हैट्रिक जीत के लगा चुका हो उस सीट पर क्या विचार रहा होगा पार्टी का, कितना मंथन हुआ होगा कि किसको दिया जाए और इसमें कैसे कड़वासरा जो है वो फिट बैठे, मैं इस पर आपसे विचार विमर्श करूंगा, चर्चा करूंगा शशि, लेकिन पचपदरा पर भी आपसे बात करूंगा कुछ देर में, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन इन सबके बीच में चंद्रश्री हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, 3 नाम बीजेपी के सामने आए, पहले तो 21 कांग्रेस के हमने पूरा पोस्टमार्टम किया कि किस सीट पर किसको पार्टी ने टिकट दिया है, 200 नाम कांग्रेस के फाइनल हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी के भी 200 नाम फाइनल हो गए हैं चंद्रश्री। बड़ी चीज ये कि बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया गया है, हर एक पार्टी का स्वाद चख चुके हैं मलिंगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको बाड़ी से टिकट दिया है क्योंकि उम्मीद खत्म हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी से, लिहाजा यहां से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। अब क्या ये करिश्मा दोहरा पाएंगे जो हर बार वो दोहरा देते हैं, ये अपने आप देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ में बाड़मेर का जिक्र अभी जब हमने किया तो शशि से, तो शशि ने प्रॉपर एक एक डिटेलिंग बताई कि आखिर दीपक कड़वासरा, प्रियंका चौधरी ये जो रेस में नाम थे उसमें किस प्रकार से नाम जो है वो बाजी दीपक कड़वासरा मार गए और ये कितना महत्वपूर्ण और ये सीट कितनी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि यहां पर हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस पार्टी। बड़ी चीज ये कि लगातार जैन साहब यहां पर जीते चले आए हैं, 3 चुनाव लगातार उन्होंने जीते हैं और उससे बड़ी चीज ये कि यहां पर दावा किसका कितना मजबूत ये भी समझ लेते हैं। पचपदरा पर चर्चा भी कर लेंगे क्योंकि शशि हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। शशि, हमने बारी की बात की बाड़मेर की, अब जरा पचपदरा पर आ जाते हैं, पचपदरा को किस प्रकार से देखा जाए? मदन प्रजापत पर एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है और अमरा राम को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दिया है, जो हारे थे उनको फिर से एक बार और ट्राई किया पार्टी ने, कैसे देखे? आशीष, देखिए पचपदरा से मुकाबला रोचक होगा लेकिन मदन प्रजापत ऐसा लगता है अभी देखने पर कि इस मुकाबले में थोड़ा भारी पड़ सकते हैं। कारण इसका एक दूसरा ये भी है कि बालोतरा को जिले की सौगात मिली है,
आपको ध्यान होगा कि जब 2022 का बजट आया तब नए ज़िले बनाने का ऐलान नहीं हुआ था, हालांकि उम्मीद बहुत थी और उस उम्मीद के ऊपर पानी फिर गया जब मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के कोई घोषणा नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि कमेटी बना रखी है रामलू भाई कमेटी और वो कमेटी जिस तरीके से सिफारिशें देगी उन सिफारिशों के ऊपर नए ज़िलों का गठन किया जाएगा। लेकिन जब और उसके बाद से मदन प्रजापत नाराज हुए, अपनी नाराजगी उन्होंने जताई जूते त्याग करके, उन्होंने पदवेश त्याग दिए, नंगे पांव घूमे और पूरे एक साल भर नंगे पांव घूमे, चाहे विधानसभा आना हो, किसी शादी समारोह में जाना हो, पार्टी के कार्यक्रम में हो, क्षेत्र में हो, किसी दफ्तर में हो या कहीं और अपने घर पर हो या मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का कार्यक्रम हो, नंगे पांव जाते थे, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। उन्होंने कह दिया कि जब बालोतरा जिला बनेगा तभी जूते पहनेंगे और जब जिला बना तब मदन प्रजापत ने जूते पहने उसी दिन, और ये उनके पक्ष में माहौल खड़ा करने वाला एक घटनाक्रम हो सकता है। वो बताएंगे कि जो भूगोल उन्होंने जिला बनाने के लिए जूते नहीं घिसे बल्कि अपने पांव घिसे हैं, मतलब जैसा बनाने के लिए जैसा कि आप इंडिकेट कर रहे हैं वो बताएंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि मतलब जैसा अरुण चौधरी कर रहे जो है वो अमराराम चौधरी के पुत्र हैं और जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि उन्हें अपने पुत्र अपने पिता के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये एक पहलू था। और आप एक चीज और देखिए कि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आरएलपी की लिस्ट आ गई है एक और जो हम बता रहे थे कि मारवाड़ में हलचल है, जालम सिंह रावलोत ने आरएलपी ज्वाइन कर ली है और आरएलपी से जालम सिंह रावलोत को प्रत्याशी बना दिया गया है शिव सीट से। ये शिव सीट वही जहां से अमीन खां है, जहां से स्वरूप सिंह खारा को प्रत्याशी बनाया है, जहां से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह खान बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और जहां से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं उस सीट से जालम सिंह रावलोत को प्रत्याशी बना दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूंगा जरा लिस्ट इस मोबाइल पर दिखाने की कोशिश करें। और ये जालम सिंह रावलोत और तरुण राय कागा को भी यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया है। और ये जो लिस्ट आई है इस लिस्ट के बाद में तस्वीर साफ हो गई है कि इन्होंने ये ज्वाइन कर ली है और हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों को दिखाएं आरएलपी की लिस्ट। आरएलपी की ये लिस्ट आ गई है और ये जरा देखिए तस्वीर आरएलपी की इस कैमरे में आपको दिखाई देंगी। शिव से जालम सिंह रावलोत हैं, चौहटन से तरुण राय कागा पूर्व विधायक हैं तरुण राय कागा और पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए हैं, अपनी रचनाओं कविताओं को पहले सदन में सुनाते रहे हैं। 2013 से 18 के कार्यकाल में विधायक थे, सिंधी समाज से भी आते हैं और एससी रिजर्व सीट से ये होंगे। चौमू से छुट्टन यादव को दे दिया गया है, छुट्टन यादव पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, यादव समाज के यहाँ पर अच्छे वोट हैं, हो सकता है जाट यादव कॉम्बिनेशन को, जाट एससी यादव क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी इनके साथ होगी, उस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर कोशिश कर रहे हैं। पचपदरा से थान सिंह राजपुरोहित को टिकट दिया है, धोद से महेश मोरदिया को टिकट दिया है, ये महेश मोरदिया कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। महेश मोरदिया मौजूदा विधायक के पुत्र हैं और जो परसराम मोरदिया हैं वो विधायक हैं, फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं और उनके पुत्र हैं महेश मोरदिया, पीसीसी के पदाधिकारी भी रहे। अलवर से मुकेश कुमार खटीक का नाम है, बांदीकुई से पंकज कुमार शर्मा का नाम है, आमेर से विनोद जाट को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, पिलानी से राम स्वरूप सिंह मेघवाल प्रत्याशी होंगे आरएलपी के, बस्सी से सुरेश कुमार मीणा, विद्याधर नगर से मोनिका चंदेल, नोहर से नारायण स्वामी, सिवाना से महेंद्र कुमार जैन टाइगर और बाड़मेर से जोगाराम डूडी, रायसिंह नगर से दर्शन बावरी को प्रत्याशी बनाया है। तो पहले जो कुछ नाम है जिनको आप ये देखिए पार्टी भी और दूसरी पार्टियों की लिस्ट देखिए, कांग्रेस बीजेपी की और आरएलपी की लिस्ट का अंतर देखिए आप, औरों में जो विभाजन संख्या है यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर वो क्रम से आ रहा है, किसी का नाम सीनियरिटी लिस्ट में कहीं भी हो विधानसभा के क्रम से चल रहे हैं। यहाँ पार्टी देख रही है प्रमुख चेहरे कौन से हैं, 134 नाम 135, 138 के साथ नहीं लिया है, डॉक्टर जालम सिंह रावलोत का नाम सबसे ऊपर लिखा है, पार्टी उनकी अहमियत दिखा रही है। तरुण राय कागा का नाम 140, 138 के साथ नहीं आया है, ऊपर अलग से आया है, आरएलपी और हनुमान बेनीवाल उनकी अहमियत दिखा रहे हैं। 43 छुट्टन यादव, ये नाम 50 या 34 के आसपास नहीं दिख रहा है, ये नाम ऊपर तीसरे नंबर पर दिख रहा है, उनकी अहमियत दिखा रहे हैं।
और 137 से थान सिंह पुरोहित 55 से, बाकी सारे नंबर 34, 65, 47, 25, 57, 50, 10, 138, 135 और 5 ये कॉन्स्टिट्युएंसी नंबर है। दरअसल जो श्रीगंगानगर से शुरू होती है कॉन्स्टिट्युएंसीज और उनका अंत होता है झालरापाटन पर, 200 नंबर की सीट है झालरापाटन, उस सीट से अंत होता है और ये ज्योग्राफिकल नक्शे के हिसाब से ये सीट चलती है। और आशीष आप देखिए कि अलग तरीके से हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने लिस्ट निकाली है और वो लिस्ट हमने दर्शकों को दिखाई, इसके साथ में तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद आरएलपी कोई लिस्ट नहीं निकालेगी क्योंकि कल नॉमिनेशन दाखिल होने हैं और उसके लिए 4 घंटे का समय शेष है। तो तकरीबन 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला तय हो गया है और ये लिस्ट जो हनुमान बेनीवाल ने निकाली है, आरएलपी ने निकाली है, ये 15 लोगों की लिस्ट है। आरएलपी भी तकरीबन 85 से 100 सीटों के बीच में चुनाव लड़ रही है, एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ी देर में आपको दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। और आजाद समाज पार्टी उनके साथ में, इसलिए दोनों का जो सीटों का विभाजन है वो देख करके हम साथ में लड़ रही है आरएलपी के। हमने वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जब आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर और बेनीवाल साहब साथ में बैठे थे, 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया गया था। अब ऐसे में बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस की आ चुकी है, आरएलपी भी लगभग लगभग सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं, जिसे डर्लियर। अब ऐसे में आरएलपी जो दल है वो कितना नफा नुकसान किसको पहुंचा सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में, या खुद आरएलपी की स्थिति क्या है इस विधानसभा चुनाव में, जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे बेनीवाल साहब चंद्रशेखर के साथ जाकर, वो कितना कामयाब होता आपको मौजूदा परिदृश्य में नजर आ रहा है? शशि आशीष अब